हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स सेंसेंस स्टडी। आज हम वर्कशीट 17 करेंगे। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 6 की और 6 सितंबर की रहेगी। और फटाफट स्टार्ट कर देते हैं इस वर्कशीट को। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक में भी हमने इसी पोएम को पढ़ा था, अ हाउस अ होम, उसकी हमने स्टेंजा फर्स्ट करी थी। अब हम स्टेंजा सेकेंड करेंगे। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूँ, जैसे आप लेसन पढ़ते हैं तो उसमें पैराग्राफ होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ऐसे जब हम पोएम पढ़ते हैं तो उसमें जो है ना स्टेंजास होती हैं। हमने पहले स्टेंजा फर्स्ट कर ली थी, आज हम स्टेंजा सेकंड करेंगे। और जो स्टेंजा फर्स्ट हमने करी थी ना, वो हाउस से रिलेटेड थी, यानी कि मकान से, जो सीमेंट पत्थर बजरी वगैरह से बनता है। और आज हम जो सेकंड स्टेंजा कर रहे हैं ना, वो होम से रिलेटेड है, जिसमें फैमिली होती है, ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, फादर है, मदर होते हैं, ठीक है। और आप सुनिए, आप अपनी कॉपी पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये करना है, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है अपने मकान की, उसमें कलर करना है, ठीक है। मैं अभी आपको एक पिक्चर और दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है, कि आपको क्या जो है बनानी है। आप अपने मकान की बना सकते हैं, नहीं तो बाकी आप ये भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो। दिखाता हूँ मैं आपको, अब आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे पता है आपको बहुत अच्छा अच्छे बनाने आती होगी पिक्चर्स, ठीक है, आप आराम से बना लेंगे। अब फटाफट जो है समझ लेते हैं कि जो सेकंड स्टेंजा उसमें क्या कह रहा है। व्हाट इज़ अ होम, घर क्या है, फिर आंसर दिया, इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर। यहाँ पर जो है ना प्यार होता है, फैमिली होती है, जिसमें एक दूसरे के लिए लोग काम करते हैं। इट्स ब्रदर्स, इसमें ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, फादर्स होते हैं एंड मदर्स होती हैं, ठीक है। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, इसमें क्या होते हैं, जो भी काम होते हैं ना, वो बिना किसी स्वार्थ के होते हैं, मतलब बिना किसी मतलब के होते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और दूसरों को बहुत अच्छे से हम शेयर करते हैं, ठीक है, बहुत प्रेम भाव होता है। आप सब फैमिली वाले हैं, आप सबको अच्छे से पता होगा कि फैमिली होती क्या है, घर होता क्या है। तो घर प्यार से बनता है, फैमिली से बनता है, और मकान ईंट सीमेंट पत्थर बजरी छत इससे बनता है। यही हमें इस पोएम में सिखाया गया है कि फैमिली इज़ द बेस्ट, आपको पूरी फैमिली की केयर करनी है, अपने बारे में ना सोच के फैमिली मेम्बर के बारे में सोचना, यही एक घर की खास बात होती है। एंड शोइंग यू आर लव्ड वंस एंड यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हमेशा हर वक्त हम केयरिंग करते रहते हैं, ठीक है। खुद भूखा रह जाएंगे लेकिन सामने वाला को ज़रूर मिले, फैमिली में यही चीज़ पाई जाती है, ठीक है ना, एक दूसरे की पूरी केयर होती है। तो बच्चों, आप भी इतनी मेहनत करना कि आपकी फैमिली की जो भी आपसे उम्मीदें वो पूरी हों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो पहला वाला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया, ये वाला करना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, ठीक है, और क्या करना है हमें। देखिए, हमें सेकंड क्वेश्चन करना है और ये थर्ड करना है। उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ और एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जो हमने अभी स्टेंजा पढ़ी है ना, उसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, और हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी इसमें बता रखी है। तो पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फटाफट पढ़ते हैं। द वर्ड्स हाउस एंड होम डू नॉट मीन द सेम, ये कह रहा है हाउस और जो होम है ना, उन दोनों के सेम मीनिंग नहीं है। ब्रिक्स मतलब ईंटें, सीमेंट्स आपको पता ही है, ठीक है, जिससे जो है मकान में जो है ईंटें जमाई जाती हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। वुड यानी कि लकड़ी, एंड ग्लास मतलब शीशा, मेक अ हाउस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हाउस बनाते हैं, याद कर लेना। आगे क्या कह रहा है, इट हैज़ डोर्स, इसमें दरवाजे होते हैं, विंडोज यानी कि खिड़कियाँ होती हैं, चिमनीज, ठीक है, जिसमें से धुआं बाहर निकलता है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ कुछ बताई गई हैं। वेयर इज़ अ होम, और जो घर होता है, घर सुन लो, इज़ मेड अप ऑफ अ ब्यूटीफुल फैमिली, जो घर होता है वो ब्यूटीफुल फैमिली से बनता है। आप सबकी फैमिली है ना, वो ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है। आगे, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, एक फैमिली के अंदर फादर होता है, मदर होती है, ब्रदर्स होते हैं, एंसेस्टर्स होती है। फादर यानी कि पिताजी, मदर यानी कि माता जी, ब्रदर्स मतलब भाई, एंसेस्टर यानी कि बहन। ऑल मेम्बर्स ऑफ द फैमिली आर डीपली अटैच टू ईच अदर, और मैंने अभी आपको बताया था, जितने भी फैमिली के मेम्बर होते हैं वो एक दूसरे से गहराइयों से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, है ना बच्चों। दे हैव लव, उनमें प्यार होता है, एंड केयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति परवाह होती है। दे शेयर देयर फीलिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे के लिए बहुत
जरा फीलिंग रखते हैं, चाहे वो दर्द हो सुख हो, हर बात में वो एक दूसरे की परवाह करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम, आपने जो पोएम को अच्छे से रीड किया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। आपको जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसको आपको क्या करना है, चारों में से कौन सा करेक्ट है वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया अ होम इज मेड बाय, जो घर होता है वो किससे बनता है, सीमेंट से बनता है, घर पूछ रहा है बच्चों, ठीक है, चिमनी से बनता है, लवण केयर से बनता है या ईंट से बनता है। तो आप समझ गए, घर है तो लवण केयर, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, ये चार ऑप्शन है। आप जब अपनी कॉपी पर करेंगे तो ये चार ऑप्शन मेंशन करें या ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन नंबर एक डाल के पूरा ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अ हाउस हैज़, जो मकान होता है ना मकान, उसमें क्या होता है, ब्रदर सिस्टर फादर या रूफ छत। देखो अ बोला है, एक चीज़ पूछ रहा है और मकान पूछ रहा है, ठीक है। मकान जो है उसमें क्या होती है, छत होती है, ठीक है। अगर घर बोलता तो हम ये ब्रदर सिस्टर फादर लिख देते, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, अ होम हैज़, जो एक घर होता है ना उसमें क्या क्या चीज़ होती है। देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है चूज ऑल करेक्ट ऑप्शन, मतलब एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अ होम हैज़, एक घर में क्या होता है, फादर होते हैं, है ना, मदर भी होती हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स भी होते हैं, लेकिन सीमेंट नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गई आप सबको, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट और लास्ट जो है आपसे पूछा गया है, लास्ट में बोला गया आपका, यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया है द बेस्ट थिंग अबाउट माय होम इज, आपके घर की ना क्या सबसे बेस्ट चीज़ है। बच्चों जो भी आपके घर की बेस्ट चीज़ है ना, वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है द बेस्ट थिंग अबाउट माय होम इज लव एंड केयर फॉर ईच अदर, मेरे घर की जो सबसे बेस्ट थिंग है ना वो यही है कि लव, एक दूसरे के प्रति लव करते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कुछ और आपको लिखना है, ठीक है, जो आपके घर की में सबसे बेस्ट है, घर की बात, ठीक है, मकान की नहीं, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई आपकी वर्कशीट कैसे थी, और आपके तीन क्वेश्चन आए थे, पहले वाले में आपको जो है वो ड्राइंग बनानी है, दूसरे वाला जो क्वेश्चन है आपको ये करना है पूरा, और तीसरे वाले में आपको ये करना है, ठीक है। कई बच्चों के मन में सवाल हो सकता है सर इस पर टिक टिक कर सकते हैं, नहीं, आपको यहाँ पर स्पेस दे रखा है ना तो आपको लिखना होगा, और आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना ये, तो आप लिखो ना लिखो मर्जी है आपकी, समझ में आ गई। लिख लोगे तो कोई नुकसान है, ठीक है, बाद में आपको भी रहेगा कि हाँ भाई ऑप्शन वाले, क्योंकि आप पेपर जो आएंगे एम सी क्यू बेस आएंगे तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीक की ऑलमोस्ट सारी वीडियो आपको ट्यूजडे तक मिल जाएंगी सारी, ठीक है। तो बच्चों अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।